हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने तो कैप्शन देखे होंगे, समझदार भिखारी का कमाल। इस दुनिया में तीन तरह के समझदार लोग होते हैं। एक जिसे खुद के चीज़ के बारे में पता नहीं, वो जाते हैं दूसरों को समझाने, और दूसरा जो सिर्फ खुद को ही समझदार समझते हैं, सामने वाले को समझते हैं बेवकूफ। और ये तीसरा, आप लोग तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भिखारी, वो सॉरी भिखारी नहीं, समझदार भिखारी। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। अरे भाई, पता नहीं क्या हो गया उसको। कल ही बोल रहा था काम हो जाएगा, आज बोल रहा है नहीं होगा, पता नहीं क्या हो गया उसको। अरे ठीक है, तुम देख लेना। अरे भाई साहब, आपका काम बन जाएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। अरे भिखारी, पहले अपने लिए दुआ मांग, फिर मेरे लिए दुआ मांगना। अरे भाई साहब, हम भिखारी लोग तो सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं मांगते हैं, उसके बदले कोई हमें खाना दे तो ठीक, नहीं तो फिर भी हम लोग किसी के लिए दुआ मांगते। ठीक है, खाने के लिए मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम बस मेरे लिए दुआ मांगना कि मेरा काम बन जाए। ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आपका काम कभी ना बने। क्या बोला? अरे मैं तो ये बोल रही थी कि भगवान आपका कोई भी काम ना रुके। एक बात तो है, तुम भिखारी लोगों का दिल बहुत साफ होता है। ये तो आप लोगों का नजरिया है कि हम भिखारी लोगों का भी दिल आप लोग देख लेते हो। अरे यार, ये मैंने क्या बोल दिया, अब तो ये दूसरा दुनिया में खो गया, अब तो ये पैसे ही नहीं निकल रहा है। अरे भाई साहब, आपका दिल माने तो इस भिखारी को कुछ तो पैसा दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो पैसे। धन्यवाद भाई साहब, आप जैसे पागल लोग अब मिलते ही कहाँ है। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आप भले लोग मिलते ही कहाँ है, भले लोग का बहुत कमी है इस दुनिया में। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है जा। तुमने मुझे 10 रुपए दिया है, आज शाम तक तुम्हें 100 रुपए मिलेगा। 100 नहीं, तब तो मुझे 1000 चाहिए। ये लो, मिलेगा तो? हाँ हाँ, पक्का मिलेगा, ये मेरा दुआ है। आजकल का लोग इतना पागल है, इतना परेशान है, इन लोगों के लिए एक दो क्या दुआ के बात कर लो, ये लोग तो बाल्टी में उतर जाते। 100 का नोट देखे गया, इसे मैं जेब में रख लेती हूँ, नहीं और इस चिल्लर को इसमें रख लेती हूँ ताकि सबको लगे मैं भिखारी हूँ। पता नहीं बॉस को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जब भी छुट्टी की बात करती हूँ तभी बोलता है हमेशा के लिए छुट्टी ले लो। ओ मैडम जी, कुछ तो पैसे दे दो खाने पीने के लिए। अबे तू जा अपना काम कर ले जा। अरे मैडम जी दीजिए ना, भगवान आपका भला करेगा। अबे तुझे समझ नहीं आती, तू? अरे तू? अबे मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन तू यहाँ कैसे? तो कहती थी कॉलेज के बाद कुछ ऐसा काम करेगी जिससे पैसा ही पैसा हो। हाँ तो कर तो रही हो ना काम, मांग तो रही हो भीख। अब भी ओए, ऐसे भीख मांगने को काम कहते हैं? हाँ तो क्या, और वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सुन, काम वो होता है जो ऑफिस जाता है पैसा कमाता है, ये नहीं दो दो पैसे का भीख मांगता है। ओए, मैं वो भिखारी नहीं हूँ कि दो दो पैसे भीख मांगू, मैं 50 रुपए से कम नहीं लेती हूँ, बस ये तो शो आपके लिए है, भिखारी जो दिखना है। अरे बस बस, तेरी हालत देख के समझ रही हूँ तू कौन सी भिखारी है। अच्छा तू बता, तुझे ऑफिस में कितना सैलरी मिलता है? मिलता है नहीं, मिलता था, बॉस ने मुझे आज ही ऑफिस से धक्का मार के निकाल दिया।
अच्छा अच्छा ये बता तुझे सैलरी मिलता कितना था? 15,000। भाई तब तो मैंने ही अच्छा किया, कॉलेज के बाद भीख मांगना स्टार्ट कर दिया, वरना मुझे भी तेरे जैसे 15 दिन गुजारना पड़ता है। तू बता भीख मांग के तू कितने पैसे कमा लेती है? मैं भीख मांग के पैसे नहीं कमाती, पैसा कमाती हूँ पैसा। हाँ हाँ वही, कितना कमा लेती है? यही कहीं गुजारा करने के लिए 50,000-60,000। साल में 50,000-60,000 तो कोई भी कमा लेगा। अरे ओ साल का नहीं, महीने का 50,000-60,000। अब भी ओ मेरे शक्ल पे क्या बुद्धू लिखा है जो तू मुझे बुद्धू बना रही है? अरे नहीं नहीं नहीं, बुद्धू लिखा नहीं है, आने वाला टाइम का और एक भिखारी का। चुप, उससे बड़े बड़े बातें कर सकते, लेके तो खड़ी है 50,000 रुपए और भाषण छोड़िए 50,000-60,000। तुझे भरोसा नहीं है ना? ये ले चाबी, वो देख सामने काट, जा ऑन कर, जा और सामने देखना बड़ा घर है, मेरा नाम प्लेट लिखा है, जा जा चेक कर। ये तो इसी गाड़ी की चाबी है, ये इतना सारा पैसा कमा ले। इतना बड़ा घर, भिखारी समझ लिया था, मैं तो भिखारी हूँ, नहीं ऐसे वैसे भिखारी समझ लिया था, मैं तो समझदार भिखारी हूँ। अरे भाई वो बाज स्टॉप के सामने जो भिखारी है ना गुंगी, वो मेरा ही जानकारी भिखारी है, तू उसे ही पेमेंट ले ले, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अरे यार तो सच में बहुत पैसा कमाती है, गाड़ी बंगलो महंगे महंगे फोन लैपटॉप सब मिला तुझे? नहीं नहीं ये सब मुझे मिला नहीं है, ये सब तो मैंने मेहनत करके भीख मांग के कमाया है। अच्छा तो तू ये बता क्या मैं भी भीख मांग के मोटा पैसा कमा सकती हूँ? रहने दे तुझसे ना हो पाएगा, वैसे भी तूने तो भीख मांगने को छोटा काम समझती है ना। अरे मुझे अंदर का बात थोड़ी पता था, और ऐसे भीख मांगने को मैं छोटी काम कहती हूँ थोड़ी, और अब तो मुझे ये लगता है भीख मांगने से ज्यादा कोई बड़ा काम है ही नहीं। अब तो ये बता कब से मैं ज्वाइन करूँ? ठीक है कल से ज्वाइन हो जा, लेकिन एक बात का याद रखना, मेरी एरिया में ज्यादा दिखना मत। अच्छा अच्छा ठीक है चल, ये ले तेरा चाबी। बेचारी तुम कब से ऐसे भीख मांग रही हो? यही कुछ ही दिनों से, जब से पांचवा बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हुआ तब से। क्या पांचवा बॉयफ्रेंड? अच्छा उससे ब्रेकअप क्यों हुआ तुम्हारा? अरे वो मेरा तीसरा बॉयफ्रेंड को बचाने के चक्कर में मेरा दोनों हाथ चला गया, और ये सब मेरा पांचवा बॉयफ्रेंड देख लिया, और उसके बाद वो मुझसे ब्रेकअप कर लिया। पर अगर मेरा दोनों हाथ होता तो मैं पांचवा बॉयफ्रेंड को जाने ही नहीं देती। ओह सो सैड, अभी तो तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? हाँ पैसों की तो जरूरत है मुझे। अच्छा ठीक है मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम रख लो। मैंने सुना है अगर तुम कोई गरीब को 1,000-2,000 दोगे तो उस गरीब के दुआ की वजह से तुम्हारे पास 10,000-20,000 आ जाएगा। सच में 10,000-20,000 मिलेगा? ठीक है ठीक है रख लो, भगवान आपके घर में 10,000-20,000 देख गए।
लगे, और जब से ये मनोज मेरी एरिया में भीख मांगने आई है तब से मेरा धंधा तो चौपट हो गया है। पहले मैं कमाती थी महीना में 60,000, अभी 30,000। इसका तो कुछ कर नहीं पाया। मैडम जी, ओ मैडम जी, मैडम जी, बादाम खाइएगा। बादाम? वो भी तेरे हाथ से? भिखारी कहे की चल जाए इधर से। अरे मैडम जी सुनिए तो, कम से कम बादाम खाकर आपका दिमाग तो खुलेगा। मेरा दिमाग एकदम ठीक है। हाँ दिख रहा है आपका दिमाग कितना सही है, इसलिए तो उसे इतना ज्यादा पैसा देके आ गए आप। उस बेचारी को पैसे की जरूरत है इसलिए मैं दिया, और तुझे क्या, तेरा तो हाथ पैर सब ठीक है, तू तो भीख क्यों मांग रहा है? तो आपको वो बेचारी लग रही है तो चलिए मेरे साथ। कहाँ? वो बेचारी के पास चलिए। अच्छा निकी टाइम कितना हो रहा है? इतनी बड़ी हिम्मत, तूने मुझे झूठ बोला? इसकी तो मैं गाइस इसे कहते हैं स्मार्ट भिखारी, जो चिल्लर के नहीं नोट कमाने का हुनर रखती है।